जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जी के वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, टॉपिक है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने संविधान में जो चीज़ें वो कौन कौन से देश से ली हुई हैं। तो ठीक है, मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, ये हर पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो या फिर कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं अब सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत के संविधान में चीज़ें कौन कौन सी कंट्रीज से ली गई हैं। तो सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ से हमने मोर देन 75% चीज़ें ले रखी है, मोर देन 75% चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ले रखी है। जो दूसरा है यह US कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहाँ कौन कौन सी ले रखी है। और ध्यान रखना, US कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, विश्व का सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन US कॉन्स्टिट्यूशन है, और भारत का विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, संविधान सबसे बड़ा भारत का है और सबसे पुराना संविधान US का है। तीसरा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, चौथा है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पाँचवा है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, छठा है जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन, सातवां जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, आठवां जो है ये है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, और जो नौवां है ये सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे आज के टाइम पे हम रशिया के नाम से जानते हैं, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, और आखिरी में जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे वीडियो में, कि हमने कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी कंट्रीज से ले रखी हैं। तो देखते हैं पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो मैंने आपको बताया था यहाँ से मोर देन 75 चीज़ें कवर करी गई हैं, ली गई हैं, ठीक है। सबसे पहले फेडरल स्कीम, मतलब संघीय ढांचा। अब ध्यान रखना, संघीय ढांचा कैसे, सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद पंचायत या म्यूनिसपैलिटीज़, ठीक है। तो इनके पास अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंट्रल के पास पावर ज़्यादा है, स्टेट के पास उससे थोड़ा कम है, और पंचायत और म्यूनिसपैलिटी के पास उससे थोड़ा कम है। तो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सब में अलग अलग है, मतलब अपने अपने लेवल पे सब पावरफुल है अपने अपने लेवल पर, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसे कहते हैं संघीय ढांचा। अब दूसरा है ऑफिस ऑफ गवर्नर, यानी कि राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है, राज्यपाल का ऑफिस कह सकते हैं। और जो तीसरा है ये है जुडिशरी। तो ध्यान रखना, जुडिशरी हमारे देश में कैसे, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे, वो कौन है, NV रमन्ना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो अभी हाल ही में बने। हमारे टोटल पूरे देश में कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हैं, कितने हैं, 25 हैं। और हाल ही में जो हाई कोर्ट बना ये कौन है, तेलंगाना हाई कोर्ट, और इनकी अभी पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, वो कौन है, हिमा कोहली, कौन है, हिमा कोहली, पहली महिला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कौन सी स्टेट की बनी थी, कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताना, ठीक है। अब देखते हैं अगला, जुडिशरी मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद अगला जो है ये है पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जैसे UPSC और स्टेट में होता है PSC, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, और UPSC होता है सेंट्रल में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कमेंट बॉक्स पे आप लिख के बताना UPSC का भी चेयरमैन कौन है प्रेजेंटली, ठीक है। अब देखते हैं अगला, इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्ति कौन कौन सी है, ये भी इस एक्ट में बताया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो आपको समझ आ गया होगा जो मैंने अभी बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1935। अब देखते हैं अगला, US कॉन्स्टिट्यूशन। US कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया हुआ है, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, कितने टोटल 6 हैं। तो समझते हैं, देखो कौन कौन से हैं 6। सबसे पहले ध्यान रखना, एक चीज़ और समझ लेना, जो फंडामेंटल राइट्स है ये आर्टिकल 12-35 के बीच में आता है, अनुच्छेद 12-35 के बीच में आता है, मूल अधिकार का, ठीक है। अब देखना, सबसे पहला हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, मूल अधिकार क्या है, ध्यान रखना, राइट टू
इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, तो कौन से अनुच्छेद के बीच में आता है, 14 से 18, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला जो है ये है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ये किस आर्टिकल के बीच में आता है, 19 से 22 के बीच में, ठीक है। जो तीसरा है ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कौन से अनुच्छेद के बीच में आता है, 23 से 24 के, ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 23 से 24 के। अब जो अगला आर्टिकल है ये कौन सा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, ये किस आर्टिकल के बीच में आता है, 25 से 28 के बीच में, ठीक है। जो अगला है ये है कौन सा अगला, देखो एजुकेशन राइट्स, एजुकेशन एजुकेशन राइट्स, ये आर्टिकल कौन से बीच में आता है, 29 से 30। और जो आखिरी है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, दो आर्टिकल आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में, कौन कौन से, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, ठीक है। अब ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूँ जो 32 आर्टिकल है इससे जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिट्स जारी करता है, और हमारी टोटल रिट्स 5 है, ध्यान रखना, ठीक है। और 226 से हाई कोर्ट रिट्स जारी करता है, कौन करता है, हाई कोर्ट रिट्स जारी करता है, ठीक है। अब देखते हैं मैंने कौन कौन से आपको बताया जो मूल अधिकार हैं, सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, सब सामान्य है, ठीक है, यह आर्टिकल कहता है। और जो दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन शोषण हो रहा है कहीं पे तो वहाँ आप उसके खिलाफ बोल सकते हो, ये भी अधिकार है। जो अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म के प्रति स्वतंत्र हो, 25 से 28 के बीच में कहा गया है। एजुकेशन राइट्स, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, ये भी है आर्टिकल 29 से 30 के बीच में। और उसके बाद कौन सा, संविधान का उपचार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये आर्टिकल है 32 में और आर्टिकल 226 में। तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, अगला देखना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है अपने काम को करने में, वो किसी के दबाव में काम नहीं करती, ठीक है। अगला जो है जुडिशियल रिव्यू, मतलब टाइम के हिसाब से कानून का चेंज होना, जो कानून पहले बना हुआ था वो अब टाइम के अकॉर्डिंग अगर फिट नहीं बैठता है तो उसे चेंज करा जाएगा, ठीक है ना। अब जो अगला है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति पे महाअभियोग जब लगाया जाता है तो सबसे पहले ध्यान रखना वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, यानी कि आर्टिकल 61 के तहत। ये पेपर में बहुत बारी पूछा गया है, एसएससी के कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, उसमें सबसे ज़्यादा बारी पूछा गया है ये इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जो अगला है ये है प्रियम्बल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रस्तावना, क्या कहते हैं, प्रस्तावना, प्रियम्बल को। जो अगला है ये है ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल इस पर बताया गया, ऑफिस बताया गया उनका। और जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं कौन है, एम वेंकैया नायडू, इनका जो आर्टिकल आता है ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वो अनुच्छेद है 63, आर्टिकल नंबर 63। अब देखते हैं रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, जजेस, हम उनके जजेस को रिमूव कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, ये कहाँ से लिया हमने, US कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, पूरे अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला, अगला जो है ये है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश कट। अब देखते हैं अगला, ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने कौन कौन से
चीज़ें ले रखी हैं। तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारत में संसदीय सरकार बनती है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अगला है रूल ऑफ लॉ, जो पार्लियामेंट से कानून पास होगा वो पूरे देश में लागू होगा और उसी से ही देश चलेगा जो पार्लियामेंट में पास होगा, और कोई नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता भी भारत में, बल्कि आप अगर यूएसए में जाएंगे तो वहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। सपोज़ अगर आप यूएस में रहते हैं, यूएस के स्टेट कैलिफोर्निया में रहते हैं, तो आपको कैलिफोर्निया की अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी और यूएस की अलग, ठीक है। तो यहाँ वहाँ पे क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप है, और भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। अगला है कैबिनेट सिस्टम, भारत में कैबिनेट सिस्टम है, ध्यान रखना। कैसे मैं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री सबसे पहले, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, जो प्रधानमंत्री जिनकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की। उसके बाद होता है एक एमओएस, और फिर होता है एक इंडिपेंडेंट चार्ज, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज। तो मैं जल्दी से फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ। जो कैबिनेट होता है ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, और जो राज्य मंत्री होता है ये कैबिनेट को रिपोर्ट करता है, और जो स्वतंत्र प्रभार होता है यानी कि इंडिपेंडेंट चार्ज जो होता है ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, रिट्स, तो मैंने बताया था जो सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है वो 32 आर्टिकल के तहत करता है, और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के तहत करता है। तो वो रिट्स कौन कौन सी है, पांच मैं बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहली जो रिट्स है वो है हैबीज कॉर्पस, हैबीज कॉर्पस सबसे पहली, ठीक है। दूसरी है मैंडमस, ठीक है, और जो तीसरी है ये है क्वा वरंटो, क्वा वरंटो, और जो चौथी है ये है प्रोही प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, और जो आखिरी है ये कौन सी है आप बता सकते हैं, ये है सिटररी, ठीक है। तो पांच रिट्स हैं, हैबीस कॉर्पस, मैंडमस, क्वा वरंटो, प्रोहिबिशन और सिटररी, ठीक है। ये हैं टोटल पांच रिट्स जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला, बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब सीधा ये समझो कि जो हमारे देश में दो हाउसेज हैं, एक है राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस कहते हैं, इसका आर्टिकल आता है 80, आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा, और लोकसभा अनुच्छेद आर्टिकल 81 के तहत आता है लोकसभा। अगर पूछेंगे पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट आता है आर्टिकल 79, तो 79 पार्लियामेंट हो गया, और राज्यसभा हो गया आर्टिकल 80, और लोकसभा हो गया 81। तो ध्यान रखना, बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या है, हमारे देश में दो हाउसेज हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, इसे कहते हैं बाइकैमरलिज्म, ठीक है। और ध्यान रखना, जो राज्यसभा है इसको कहते हैं अपर हाउस, ठीक है, अपर हाउस, पेपर में बहुत जरूरी पूछा जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं इसे, हाउस ऑफ स्टेट, एक और नाम से इसे जाना जाता है, हाउस ऑफ स्टेट। और जो लोकसभा है इसको कहते हैं लोअर हाउस, क्या कहते हैं, लोअर हाउस, और इसे एक और नाम से जाना जाता है जो पेपर में पूछा जाता है, क्या कहा जाता है इसके, हाउस ऑफ पीपल, क्या कहा जाता है इसे, हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना, अच्छे से। तो देखते हैं अब अगला, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या ले हुआ है। सबसे पहले फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल, मतलब क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब क्या होता है कि सबसे पावरफुल जो है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो सेंट्रल होगा, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा मजबूत होगी, ठीक है। उसके बाद है रेजिडरी पावर इन द सेंटर, मतलब अगर कोई, अगर एक कानून है उसमें तीनों यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और म्यूनिसपल्टीज़,
क्लैश हो जाता है, उस कानून में कुछ विवाद हो जाता है, तो उसको सॉल्व करने की पावर होगी वो किसके पास होगी? सेंट्रल के पास होगी। किसके पास होगी? सेंट्रल के पास होगी। ठीक है, अगला है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ध्यान रखना, जो सुप्रीम कोर्ट है ये एडवाइजरी किसको देता है? ये राष्ट्रपति को देता है एडवाइस। कौन से आर्टिकल के तहत देता है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताना। अब देखते हैं अगला, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। हमने आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या ले रखा है? सबसे पहले DPSP जो वेलफेयर के लिए होता है, और DPSP की फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और जो इसका अनुच्छेद है DPSP का कहां से कहां तक है, ध्यान रखना, जो इसका अनुच्छेद है ये है आर्टिकल 36 से 51 तक। कहां तक? आर्टिकल 36 से 51 तक। अगला जो है ये है, देखो जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगला ये है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। ठीक है, जो नॉमिनेशन करते हैं, कितने मेंबर नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में? ध्यान रखना, टोटल 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं। कितने करते हैं? 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है? 238 मेंबर इलेक्ट होके आते हैं स्टेट से। ठीक है, और 12 करते हैं राष्ट्रपति। तो टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी, अधिकतम उसकी जो है क्षमता कितनी बनी राज्यसभा की, तो बनी 250 मेंबर की। तो टोटल मेंबर ऑफ सीट्स राज्यसभा होती हैं 250, जो 238 हैं, 238 हैं ये स्टेट से चुन के आते हैं, और जो 12 हैं ये राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो ध्यान रखना, अब लोकसभा के बारे में बताता हूँ। देखो लोकसभा, ये लोकसभा हमें पता है आर्टिकल 81 के तहत आती है, अनुच्छेद 81 के तहत आती है लोकसभा, ध्यान रखना इसको। ठीक है, और इस पे जो है स्टेट से आते हैं कितने, स्टेट से आते हैं 530 मेंबर। ठीक है, ध्यान रखना, यूटी से आते हैं यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं 20 मेंबर, और 2 मेंबर होते हैं इस पे कौन, एंग्लो इंडियन कितने होते हैं इस पे, 2। तो टोटल इसकी स्ट्रेंथ कितनी बनती है लोकसभा की, 552, ध्यान रखना। ठीक है ना, कितनी स्ट्रेंथ बनती है, 552। अब देखते हैं आगे, देखो ध्यान से, अब जो अगला है ये मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जो इलेक्शन कराया जाएगा प्रेसिडेंट का वो किस मेथड से कराया जाएगा, ये भी हमने कहां से लिया हुआ है, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसको कॉपी में नोट डाउन जरूर करते रहना जो जो मैं आपको बोलते जा रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखते हैं अगला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के संविधान से हमने क्या क्या ले रखा है? सबसे पहले सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब कि जब आपातकालीन के समय आपके कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे, ये बोला गया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, यहाँ से हमने लिया है ये कौन सा, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है ना, अब देखते हैं अगला, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या ले रखा है। सबसे पहले कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हम समवर्ती सूची भी कहते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जरा यहाँ ब्लैक बोर्ड में देखना ध्यान से। सबसे पहले स्टेट लिस्ट टोटल कितनी है स्टेट लिस्ट, 66, यानी कि राज्य सूची कितनी है, 66 है। ठीक है, उसके बाद यूनियन लिस्ट, संघ सूची कितनी है, 97, और सबसे आखिरी में समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, ये कितनी है, 52। तो ये मैंने आपको बता दिया, राज्य सूची 66, यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची 97, और समवर्ती सूची 52। अब देखते हैं अगला, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, मतलब टू हाउस की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, वो भी कहाँ से ली है हमने, वो भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ज्वाइंट सिटिंग है ये अनुच्छेद आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट की, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट 108 आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है। ध्यान रखना, इसे बुलाता कौन है ज्वाइंट सिटिंग को, इसे बुलाते हैं प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं? प्रेसिडेंट।
ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसके जो चेयरमैन होते हैं बोथ हाउसेस के, जो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करता है वो कौन होता है, वो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। और ध्यान रखना जो है अभी करंटली जो लोकसभा के स्पीकर है वो है ओम बिरला, और कोटा राजस्थान से सांसद है। पहली महिला स्पीकर कौन थी, मीरा कुमार, पहली महिला स्पीकर कौन थी, मीरा कुमार, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखते हैं अगला, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया हुआ है, रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी इन द प्रीएम्बल। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमने कहाँ से ले रखा है, ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है, ठीक है। तो आप साथ साथ इसके नोट जरूर बनाना, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि USSR, जिसे हम आज के टाइम पे रशिया के नाम से जानते हैं, तो वहाँ से क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्या ली गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है हमारी, ये हैं 11, कितनी है 11। और ध्यान रखना एक चीज़, ये आर्टिकल अनुच्छेद 51A के तहत आता है, क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये कौन से भाग में है, पार्ट कौन से पार्ट में है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब देखते हैं अगला, 5-year plan, पंचवर्षीय योजना भी कहाँ से ली गई है, USSR कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो रशिया नाम से जाना जाता है उस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। अगला देखते हैं, द आइडियल ऑफ जस्टिस, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल, जो जस्टिस है सोशल थ्रू, इकोनॉमिकल थ्रू और पॉलिटिकल थ्रू, किस में, प्रीएम्बल में, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी USSR से लिया गया है। अब देखते हैं एक चीज़ और, ध्यान से देखना, मैं एक चीज़ बताता हूँ, 42वां अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में हुआ था, और इसमें प्रीएम्बल में तीन चीज़ें और जोड़ी गई थी, क्या जोड़ी गई थी, सबसे पहला सोवर्जन अखंडता, दूसरा जो है ये है सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, और जो तीसरा है ये क्या है बता सकते हैं आप, कौन सा है तीसरा, सोवर्जन है, सोशलिस्ट है, और तीसरा क्या है, तीसरा है सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष। तो ये तीन चीज़ें जोड़ी गई 42वें अमेंडमेंट 1976 पे, और इस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी थी भारत की प्रधानमंत्री। कौन कौन सी तीन चीज़ें जोड़ी गई, सेकुलर, ठीक है, उसके बाद सोवर्जन और सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्ष, सोवर्जन अखंडता, और तीसरा सोशलिस्ट समाजवाद, ठीक है। अब देखना आगे, और साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया, ठीक है, तो देखना है क्या क्या लिया गया। सबसे पहला प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ध्यान रखना जो प्रोसीजर ये फॉलो होता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 368 के तहत, किसके तहत, 368 अनुच्छेद 368 के तहत ये होता है, क्या, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, किसी में भी संशोधन करना कानून में, वो आर्टिकल 368 के तहत होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा के मेंबर हैं इनके इलेक्शन कैसे होंगे, इनका जो है ये भी कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब अगला देखते हैं जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से क्या क्या लिया गया, यहाँ से लिया गया प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये लिया गया कहाँ से, जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहाँ से लिया गया, जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखते हैं, आप इस पूरी चीज़ के जो है बराबर साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाते रहना, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात पे ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये था मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक। अगर इससे पहले आपने यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्रियों की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ मैंने लिंक दे रखा है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी, तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जय हिंद, जय भारत।